नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं महाराष्ट्र के मुमरा में। लोगों से बातचीत करते हैं कि इस बार यहाँ की जनता क्या चाहती है, क्या लग रहा है यहाँ इस बार? अवार्ड साहब ही आएंगे। क्यों आएंगे? लग रहे नजीब मुल्ला अवार्ड साहब ही आएंगे, कहीं नहीं लग रहा नजीब मुल्ला। क्यों आएंगे? काम बोलता है। काम क्या काम किया? बहुत से काम किया है। 25 साल पहले खड्डे थे रोडों के ऊपर, आज कुछ भी नहीं है। रोड टनाटन बना हुआ है। मस्जिद मदरसे को कोई तकलीफ नहीं है। बीजेपी राज में सबको तकलीफ है। जातिवादी का राज चला रहे। कौन कर रहा है जातिवादी? बीजेपी कर रही है। एकदम खुल के दिख रहा है। मुझसे बोल रहे हैं मस्जिद में घुस के मारेंगे, मंदिर में घुस के मारेंगे। ये सब ऐसी धर्म की राजनीति हमको नहीं चाहिए। अवार्ड साहब एक नंबर, हम उनके साथ है। अवार्ड साहब, आने वाले वक्त में हमारे मुमरा में बहुत से डेवलपमेंट हुए हैं और होंगे। अवार्ड साहब का रहना ही मुमरा के लिए भलाई है। अवार्ड साहब एक ऐसे हैं जो राजनीति नहीं करते। भाजपा भी तो लगातार दावे करती है विकास को लेकर। नहीं, भाजपा कुछ भी विकास नहीं हुआ है। कहां धर्म की राजनीति? धर्म की राजनीति कर रही है। धर्म की, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। वक्त पे बोलती है सबका साथ सबका विकास, सबको लात, सबका सबको लात और सबका साथ, ऐसा बोलती है वो। विकास कहीं नहीं है। प्रधानमंत्री बोलते हैं मुस्लिम मेरे भाई हैं, सबके सबको साथ लेके चल रहे। 5 साल में एक बार बोलते हैं। यहाँ तो ये अवार्ड साहब जिंदगी भरते बोलते आए ले, आवाज उठाते हुए आए ले। क्या आवाज उठाते हैं? हमेशा से उठाते हुए आए ले, कब से जमाने में। अभी रेलवे में जो चाचा के ऊपर जुल्म हुआ, 40 गांव से जो आ रहे थे उनके ऊपर जो भी जुल्म हुआ उसके खिलाफ अवार्ड साहब ने ही सबसे बड़ा कदम उठाया हुआ है। आज जितने भी अगेंस्ट हो रहे हैं, भाजपा युवाओं की बात कर रही है, कैसे बात कर रही है? नहीं नहीं नहीं, नौकरी है ना, नौकरी है ना, शिक्षा है, कुछ नहीं है। गोर गरीब युवा नेता है, उनको मौका दे के देखिए एक बार। कौन से युवा नेता है? अरे हमारे हमारे नेता से बड़ा कोई युवा नेता नहीं है। वो बीजेपी दल है, आरएसएस पार्टी है, संघ परिवार है। संघ परिवार देश को तोड़ना चाहती है। और अवार्ड साहब संविधान की बात कर रहे हैं, हम अवार्ड साहब के साथ है। देश के प्रधानमंत्री दौड़ने, प्रधानमंत्री भी संविधान के खिलाफ है। मैं हम बोल रहे हैं संविधान बदल दिया है प्रधानमंत्री ने भी। जब एक एमएलए है हमारे और वो अच्छे से पूरा काम कर, दूसरे को मौका क्यों देने का? जब इंसान कुछ गलती करेगा, काम नहीं करेगा तो दूसरे को मौका देगा। जब हमारे आमदार पूरा काम, दूसरे नेता तो लगातार आरोप लगा रहे हैं आपके नेता पर। भाई आरोप तो अच्छे लोगों पे लगते आए हैं, आज से नहीं, जमाना इस बात का गवाह है। जो अच्छा रहेगा, 23 तारीख को समझ में आ जाएगा कौन क्या है। कुछ इतना उठ रहे समझ में आ जाएगा। अवार्ड साहब ही है बस, अवार्ड साहब अवार्ड साहब है भाई। डिपॉजिट की शपथ होने वाली है, डिपॉजिट की शपथ होने वाली है। मोदी का गठबंधन वो कह रहे मजबूत है। नहीं भाई, लिया लाइफ मजबूत है, वो तो इंशाल्लाह बता देंगे भाई। इलेक्शन के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कौन मजबूत है और कौन है। भाई मुमरा अवार्ड साहब का था और इंशाल्लाह उनका ही रहेगा हमेशा। कहते हैं कि अगर विकास देखना है तो भाजपा गठबंधन कुछ नहीं है। नहीं नहीं, विकास तो देखे ना भाई, अभी विकास देख ही रहे हम लोग। तो तारीख को चुन के विकास देखे भाई, और विकास किए 15 साल पहले का आप मुमरा देख लो और अभी का देख लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा भाई कि कितना विकास हुआ है। मुमरा बहुत बदला है भाई, बहुत कुछ बदला है, आपको खुद मालूम होगा भाई। सड़कें बनी है, फ्लाईओवर बना है, बाईपास बना है, म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल बना है, स्टेडियम बना है, लाइट की सहूलत हुई है, 1 मिनट भी लाइट नहीं जाती है। तो इनको कहते हैं बिजली के जो बिल है वो भी ज्यादा आ रहे हैं भाई, बिल ज्यादा आ रहे हैं थोड़ा बहुत। भाई एक गलती को लेके अगर एक कुछ है तो उसको लेके मसला नहीं बना सकते। 100 काम अच्छे किए तो 1 पॉइंट तो बोल रहे। वो भी तो भाजपा ने लाई थी ना, भाजपा ने लाए थे ना, उनकी सरकार थी ना, इनकी थोड़ी थी। जब भी सरकार अवार्ड साहब लोग की थोड़ी थी, उन लोग की सरकार थी। अच्छा, किन मुद्दों पे इस बार वोट कर रहे हैं आप लोग? अवार्ड साहब, हम लोगों को बस अवार्ड साहब के सब काम अच्छे लगे, हम उनको ही वोट करेंगे। हम कोई नजीब मुल्ला वजीब मुल्ला को नहीं जानते। दूसरे कैंडिडेट भी हैं, और भी कैंडिडेट हैं। नहीं, हमको किसी से नहीं चाहिए, हमको ये इंसान हमारे अवार्ड साहब के सामने कोई फोटो ही नहीं है। नहीं, कोई भी फोटो ही नहीं, फोटो ही नहीं है। फाइनल फुल एंड फाइनल बात तो ये है कि अवार्ड साहब के सामने कोई फोटो ही नहीं है। हमारे नेता अवार्ड साहब एक नंबर है, शिक्षा, पानी, सड़क व्यवस्था के लिए, बिजली और नौकरी के लिए भी वो संघर्ष कर रहे हैं लगातार। यही नहीं, पूरे मुमरा के अंदर शानूपटान अमृतनगर में, रेहान भाई इधर पे, हमारे सैयद अली साहब मुमरा स्टेशन के ऊपर, यानी पूरे मुमरा के अंदर हमारा विकास का काम चालू है अवार्ड साहब के थ्रू। कोई भाजपा के थ्रू हमारे यहाँ विकास, भाजपा ने तो निधि भी नहीं दी हमारे को ये टाइम पे मुमरा के लिए। अब आप ही बताओ, आप तो लाडली बहना योजना चला रखी है उन्होंने, यहाँ पगार नहीं दिए गवर्नमेंट के सर्वेंट को, बोनस दे दिए दिवाली का। बीएसटी वाले को पगार नहीं मिली, उनको बोनस नहीं मिली दिवाली का, और 1500 रुपया देके उसने चुप करा दिया। अरे जो 8000 रुपया, जिनको 20000 रुपया पगार है उसको 10000 बोनस बनता है, मिठाई के डब्बे मिलते हैं, कपड़ा मिलता है, वो औरत को 1500 रुपया देके आदमी को डरा के चुप करा दिए। वो भी बेचारा घर पे जाके रो रहा है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। वो बोल रही है मेरे को 1500 दिया, तेरे को 1500 दिया, मेरे तो 10000 डूब गए, ना बोनस मिला, ना कुछ मिला, ना बीएसटी वाले को मिला, ना नगर पालिका के कर्मचारी को मिला। आप न्यूज उठा के देख लो, आप तो कुछ संपादकों को आपको कुछ मालूम है कि किसको क्या क्या मिला और क्या नहीं मिला। आप बदलाव नहीं चाहते? बदलाव हमारे अवार्ड साहब आए, बदलाव तो इससे बड़ा बदलाव और क्या चाहिए? आरएसएस के संग नहीं है बदलाव, क्या
बदलाव नहीं चाहते, बदलाव क्या बदलाव नहीं भाई, मतलब बदलाव क्या, जो अच्छा है उसको बदल के बुरा लेके आ जाए, जो काम कर रहा है उसको बदल के बिना काम करने लेके आ जाए, कौन सा बदलाव की बात कर रहे हैं आप? बदलाव का मतलब होता है जो काम नहीं कर रहा है तो उसको हटाओ, काम करने वाला लाओ। तो जब काम करने वाला ही हमारा आमदार है तो हम क्या बदलाव लाए? काम करने वाले को हटा के नहीं काम करने वाला लेके आ जाए, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ले, क्या बदलाव लाए भाई? बताइए की बात करते हैं ना, भाजपा गठबंधन वो कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, काम करो। यहाँ का मुमरा का बुजुर्ग युवा सब कोई अवार्ड साहब का फैन है, क्यों ऐसी पहन नहीं है, कुछ किए उन्होंने इसके लिए पहने, चाहे युवा रहे या कोई भी रहे, अवार्ड साहब थोड़ी बुढ़े हो गए भाई, जब युवा युवा बोल रहे तो अवार्ड साहब भी तो फैन है। हाँ भाई सब है, पूछ लो इतने भीड़ में कौन उनका फैन नहीं है। क्या बोल रहे, क्या मैं तो चाहता हूँ 25 साल हमारे आमदार अवार्ड साहब ही रहे। लाडली बहना योजना से खुश है भाजपा? बिल्कुल नहीं, बहने तो सेफ है ही नहीं, जब सेफ नहीं है तो खुशी किस बात की है? क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारी औरतें बाइज्जत रहे, जो कि हम लोग अवार्ड साहब के राज में फील करते हैं, और हमको वही चाहिए, कोई और नहीं चाहिए। जो भाजपा है वो तो लगातार कहती है कि महिला सुरक्षित है, अगर सुरक्षित है तो इतने रेप क्यों हो रहे हैं? अगर सुरक्षित है तो हर दिन रेप की संख्या बढ़ क्यों रही है? इसलिए हम तो बिल्कुल खुश नहीं है, ना सरकार से और ना आने वाले ये लोग जो बोल रहे हैं कि हमें आने दो, हमें किसी को नहीं आने देना, हम जहाँ है बहुत खुश है। क्या करेंगे इस बार, किसको चुनेंगे? इंडिया गठबंधन या भाजपा गठबंधन? इंडिया गठबंधन ऑलवेज। कोई खास रीजन? महाविकास अघाड़ी में जितनी महिलाएं सुरक्षित पहले भी थी और अब आगे भी रहेंगी, हमको सरकार बदलना, हमको सरकार बदलना है बस। इतना भरोसा क्यों है इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन में हमेशा हम लोग बेफिक्र होकर के जिए हैं, आज हर मिनट अपनी और बच्चियों को बाहर निकालने में डर लगता है, इसलिए हमें नहीं चाहिए। लेकिन मोदी जी तो लगातार कहते हैं कि महिला सुरक्षित है, महिलाओं के लिए काम कर। कोई महिला सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप हर महिला से पूछिए, हर किसी को डर बना है कि कब किसका रेप हो जाएगा। लेकिन उनकी महा जो योजना है वो कह रहे हैं हम पैसा देकर जो है महिलाओं को कुछ कर। पैसे से खुशी नहीं मिलती भाई, सुकून से खुशी मिलती है और सुरक्षित होना।